الله الظهر. ये तो बहुत बड़ा है. कितने कमरे हैं? दो बेडरूम हैं. और कितनी खिड़कियां हैं? हवा आएगी? जी अम्मा, बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत हवा आएगी और रोशनी भी. बहुत खामोशी है यहाँ, कोई आवाज नहीं. परिंदों तक की नहीं, यहाँ ऐसा ही है अम्मा. आइए मैं आपको किचन दिखाती हूँ. मोमिना, ये जहांगीर की तस्वीरें और अवार्ड्स कहाँ रखूं? बाकी कहीं भी रख दे, आप ही का घर. लोग अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही. क्यों? नहीं जगा है ना इसलिए. एसी चला लेते. सर्दी में सोने की हमें आदत नहीं है, पंखा चलाकर सोने की आदत है. और ये ठंड तो हड्डियों में उतरती है. लगा लेते आपको क्या? मच्छरों से तो उम्र भर का साथ, इनसे तो खून चुसवाने की आदत है हमें. घर अभी ठीक से फर्निश नहीं है. अमेरिका से वापस आऊंगी तो नया फर्नीचर बनवाऊंगी, पुरानी चीजें बदल दूंगी. पुरानी चीजें क्यों क्यों बदलूं? फिर तो इस घर में हमारा कोई साथ ही नहीं रहेगा. तुम जाओ सो जाओ, मत जागो. जाओ शाबाश. राइटर के बारे में भी फैसला कर लें. अख्तर भाई रोज फोन कर रहे हैं. नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. ये फिल्म मैं खुद लिख रहा हूँ. जी लेकिन क्या तुम लोगों का इतराज है कोई? नहीं नहीं कुछ नहीं. सदफ फोन कर रही है, पता नहीं क्या. हाँ मेरी इस फिल्म के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाह रही होगी, बल्कि मेरी भी बात कराना उससे. हाँ स्पीकर पे ले लेता हूँ. हाय सदफ. थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया, मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही थी. सॉरी यार बिजी था, अभी भी मीटिंग में हूँ मोमिन भाई के साथ. अच्छा मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी, मुझे एक्चुअली मोमिना सुल्तान का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था. मैंने सुना है वो तुम्हारी फ्रेंड है. हाँ मैं भेजता हूँ. इंटरव्यू दे देगी ना? यार पूछ के देख लेना, वैसे बिजी आजकल. आई नो यार, मगर तुम्हारे रेफरेंस दूं तो इंटरव्यू दे देगी?
हाँ हाँ दे देना। और वो हमारी मूवी के बारे में जो आर्टिकल का कहा था तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अभी तक हुआ ही नहीं? वो होगा भी नहीं। क्यों? मोमिन का दिमाग खराब हो गया स्पिरिचुअलिटी पर फिल्म? अब वो फिल्म मेकर्स जो आइटम नंबर्स पेश करते हैं हमें वाज सुनाएंगे, उसको मशवरा किसने दिया था इस टॉपिक पे मूवी बनाने को? वो मोमिन भाई भी बात करना चाहते थे तुमसे। नहीं, मुझसे मत करवाना कोई भी बात, मुझे इस वक्त मोमिना की जरूरत है, मोमिन की नहीं। अच्छा मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर भेज दो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके बाय। ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। यही जो दो दो टके की जर्नलिस्ट होती है ना, यही जब फिल्म आएगी ना हमारी, तो फोन कर करके दिमाग खा रही होगी हमारा पासेस के लिए। कोई जरूरत नहीं आइंदा इससे कोई आर्टिकल या रिव्यू लिखवाने की।